हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनकू एक बहुत ही डेंजरस सीईओ है, उससे सब लोग डरते हैं। लियांग भी जनकू से बहुत डरते हैं। वो यहाँ पर काम तो करते हैं लेकिन वो जनकू से इतना डरते हैं कि उसके सामने बात भी नहीं कर पाता है। जनकू तियांग को देख कर ही उसको पसंद करने लग गए थे। जनकू ने मन में सोच ही लिया था कि वो तियांग के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। तो फिर जनकुक ने तियांग को केबिन में बुलाया है। तियांग बहुत ही घबराए हुए थे। उसको लगा जनकुक उसको फायर कर देगा क्योंकि तियांग ने कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो जनकुक उसको कहता है, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तियांग कहता है, बहुत सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। जनकुक कहता है, कौन सी गलती? तियांग कहता है, वो आपको पता नहीं चला क्या, मुझसे फाइल में कुछ गड़बड़ी हो गया है। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे, दोबारा से ऐसा गलती नहीं होगा, प्लीज़ मुझे फायर मत कीजिएगा। जनकुक कहता है, तुम इसके लिए परेशान हो रहे हो? तुम इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी शादी होने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने थोड़ी दूंगा। तियांग कहता है, क्या, मैं समझा नहीं। जनकुक तियांग को कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें से ही शादी करूँगा, समझ गए? और जब मैं तुमसे शादी कर लूँगा तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो, तो तुम गलती करो या फिर ना करो, मैं तुम्हें ऐसे भी फायर करने वाला हूँ। तियांग, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पर हार्ड वर्क करते हुए नहीं देख सकता हूँ। तियांग कहता है, क्या, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, आप मजाक कर रहे हो क्या? जनकुक कहता है, क्या, मैं और तुमसे मजाक क्यों करूँगा? क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर कोई कॉमेडियन लग रहा है क्या, जो तुम मुझे ऐसे बातें कर रहे हो? तियांग जनकुक को देखकर कहता है, नहीं तो मैं बस। तो जनकुक कहता है, फाइनल हो गया, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, वो भी एक हफ्ते के अंदर। तियांग कहता है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। जनकुक तियांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसको टेबल पर धक्का दे देते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो? ये तुम बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे भाई और ब्रदर इन लॉ बहुत ही खुश रहे? मैं उन दोनों को काम करने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। क्या इसके बाद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए मना करने वाले हो क्या? तियांग कहता है, क्या, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जनकुक कहता है, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? तियांग, तो तियांग अब जनकुक से और कुछ नहीं कह पाता है। जनकुक ने तियांग को डराया है। तियांग मजबूरी में जनकुक से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। जनकुक बहुत ही डेंजरस है, तियांग को उससे डर लगता है, वो उसके साथ पूरी लाइफ कैसे रहेगा? तियांग इस शादी से खुश नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। जनकुक कहता है, जाओ जाकर अपनी शादी के लिए थोड़ा सा अच्छे से रेस्ट कर लो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तियांग तियांग जनकुक से कहता है, लेकिन आप मुझे नौकरी से क्यों बाहर निकाल रहे हो? मुझे प्लीज़ यहाँ से मत निकालिए, मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। जनकुक मुस्कुराकर कहता है, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें शादी करने के बाद बहुत ही खुश रखने वाला हूँ। तियांग, तो तुम्हें इस जॉब की क्या ज़रूरत है, तुम्हें जॉब क्यों करना चाहते हो? तियांग कहता है, वो मेरी फैमिली को पैसे की बहुत ज़रूरत है, अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो। तो जनकुक कहता है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किस लिए हूँ? अब जब मैं तुमसे शादी करने ही वाला हूँ तो तुम्हारी सारी परेशानी मेरी हुई, ठीक है, जाओ जाकर घर पर जाकर रेस्ट करो, और जब तक मैं कॉल ना करूँ तुम बाहर मत निकालना, ठीक है? तो तियांग कहता है, लेकिन, तो जनकुक कहता है, और कुछ नहीं सुनना चाहता हो, तुम्हें आप जा सकते हो यहाँ से। तो तियांग जाने ही वाले थे। जनकुक कहता है, रुक जाओ, और एक बात, जब मैं तुम्हें कॉल करूँगा ना उसको उठाने में देर मत करना, समझ में आया? तियांग कहता है, हाँ ठीक है। वो चले जाते हैं। जनकुक वो अब बहुत ही खुश थे, वो तियांग को शादी करने वाले हैं। इसी बारे में सोचकर ही जनकुक को बहुत अच्छा लग रहा था, वो मन में ही तियांग को किस कर रहे थे। यहाँ पर जनकुक अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इवनो आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ जनकुक, तुम कौन सी ख्यालों में खोए हुए हो, क्या सोच रहे हो? जनकुक कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस टाइम पर तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं बहुत ही अच्छे मूड में था लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। इवनो कहता है, तुम्हारे जैसे डेंजरस सीईओ और क्या ही सोच सकते हैं, ज़रूर कोई प्लानिंग कर रहा होगा किसी को बर्बाद करने के लिए। जनकुक कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन ये बर्बादी जो है उसके लिए अच्छा है, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब मैं उससे शादी करने वाला हूँ। इवनो कहता है,
क्या तुम शादी करने वाले हो? कब और कैसे? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? जनकुक, बहुत बुरी बात है, तुमने मुझसे कहा भी नहीं और शादी करने वाले हो। जनकुक कहता, रुक जाओ, ऐसे भी मैंने अभी अभी उसको कहा है, तो मैं तुमसे पहले कैसे कह देता। यूनो कहता है, क्या तुम उससे शादी करने वाले हो और तुम अभी भी उसको कहा? तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनकुक यूनो को सारी बातें खोलकर कहता है, वो त्यांग से अभी अभी शादी के बारे में कहा और वो त्यांग को बहुत पहले से पसंद करते हैं, मुझको खुश रखना चाहता है, उसको इतना पेशेंट नहीं दिख सकते हैं। यूनो कहता है, तुम कैसे इंसान हो, किसी को शादी के बाद इस तरह से कहता है क्या? वो डर गया होगा, वो ऐसे भी तुमसे बहुत डरता है, और सिर्फ त्यांग ही नहीं बाकी सबको भी तुमसे डर लगता है। एक्चुअली मुझे भी डर लगता है, जनकुक कहता है, लेकिन मैं ऐसा क्या कर देता हूँ जो सब लोग मुझसे इतना डरता है। यूनो कहता है, तुम्हारी शक्ल, एक खरोसी शक्ल देखकर किसको डर नहीं लगेगा, तुम ही कहो। मीरा में खुद को देखा है क्या, हमेशा अपनी शक्ल को इतना गुस्से वाला एंग्री बार क्यों बनाकर रखते हो? तुम्हारी शक्ल को देखकर किसी को भी डर लगेगा, तो अपनी शक्ल को थोड़ा सा ठीक करो, थोड़ा सा रोमांटिक बनने की कोशिश करो। हाँ, जेंटलमैन बनकर उसके सामने जाना और उसको प्यार से हक करना और उसको कहना कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, देखना उसको बहुत अच्छा लगेगा। जनकुक यूनो से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें कुछ और गिफ्ट देना चाहता था लेकिन नहीं दे सकता हूँ। यूनो कहता है, क्या तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले थे और अब क्यों मना कर रहे हो? जनकुक कहता है, वो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो यूनो कहता है, कौन सा सरप्राइज? तो जनकुक कहता है, मेरा बहन कुकी वापस आ रहे हैं और वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। यूनो यूनो कहता है, क्या मैं उसका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो वापस आ रहे हैं, मैं भी उससे शादी करने के लिए बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। जनकुक कहता है, तो ये बात है, तो तुमने इतने दिनों से मुझे छुपाया है और तुम मुझे बोल रहे थे। यूनो कहता है, सॉरी, लेकिन अब जब कुकी वापस आ ही रहे हैं तो मेरी शादी उसे जल्दी से करवा दो। जनकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी शादी होंगी त्यांग के साथ, मैं उसको अपने घर में लाना चाहता हूँ। त्यांग मेरे लिए बहुत ही लकी चैम है, मैं उसको इतना प्यार दूंगा कि वो सारी डर भूल जाएगा। यूनो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो जनकुक कहता है, लेकिन क्यों? तो यूनो कहता है, वो तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम बहुत ही अनरोमांटिक हो और बहुत ही गुस्से वाला हो। मैं नहीं जानता हूँ तुम उसको कैसे खुश रखने वाले हो, लेकिन मैं तो मेरी कुकी को बहुत खुश रखने वाला हूँ। जनकुक कहता है, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा गुस्से तरीके से रहता हूँ, मेरी शक्ल ऐसा है, लेकिन मैं अपने त्यांग को बहुत प्यार दूंगा। तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी त्यांग को पता होना चाहिए और किसी को नहीं। तुम यहाँ से जा सकते हो यूनो, इससे पहले कि मुझे तुम पर गुस्सा आ जाए। यूनो कहता है, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ कुकी और मेरी शादी को कैंसिल मत करना, और मैं कुकी को लेने के लिए जाऊँगा जब वो वापस आएंगे। जनकुक कहता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब मेरी नज़र के सामने से दूर हो जाओ। तो यहाँ से यूनो चले जाते हैं। यहाँ पर त्यांग को जनकुक बहुत मिस कर रहा था, लेकिन त्यांग वो अपने घर आने के बाद बहुत ही पेशेंट लग रहे थे। जिमिन कहता है, क्या हुआ त्यांग, तुम इतने पेशेंट क्यों हो? तो योंगी कहता है, क्या हुआ त्यांग, जिमिन तुमसे जो पूछ रहे हैं तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो त्यांग योंगी को कहता है, योंग, वो मैं शादी करने वाला हूँ। जिमिन कहता है, क्या तुम शादी करने वाले हो, अचानक ये फैसला कैसे कर लिया? तो योंगी जिमिन से कहता है, तुम चुप करो त्यांग, क्या हुआ, तुम शादी करने वाले हो, लेकिन तुम तो इससे पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं थे, तो अचानक शादी के फैसला कैसे कर लिया और किससे करने वाले हो? तो योंगी की बातों को सुनकर त्यांग कहता है, वो मुझे मेरे सीईओ के साथ शादी करना होगा। योंगी कहता है, क्या तुम्हारे सीईओ इतने रिच इंसान तुमसे शादी करेगा? त्यांग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो त्यांग कहता, नहीं, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो त्यांग की बातों को सुनकर योंगी जिमिन दोनों ही खुश हो जाते हैं। योंगी और जिमिन की खुशी को देखकर त्यांग आगे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर योंगी और जिमिन कहता है, तो हम उससे बात करने के लिए जाएंगे या फिर वो हमसे बात करने के लिए आएंगे? त्यांग, इससे पहले कि त्यांग और कुछ बोलते, यहाँ पर बहुत सारे आदमी कुछ सामान लेकर अंदर आ रहा था। तो योंगी और जिमिन कहता है, कौन हो तुम लोग और अंदर क्यों आ रहे हो, और ये क्या है, और ये सब कुछ यहाँ पर क्यों रख रहे हो? तो वो सब लोग कहता है, त्यांग कौन है?
तियांग कहता है, मैं हूँ तियांग, क्या हुआ? तो वो लोग कहता है, ये जो देख रहे हो ना, ये सब कुछ आपके लिए यहाँ पर भेजा है मिस्टर जीवन जनकुक। तो तियांग कहता है, क्या सीईओ उन्होंने यहाँ पर इतने सारे चीज़ों को क्यों भेजा है? जिमिन कहता है, तियांग इतने सारे चीज़ों को तुम्हारे सीईओ ने भेजा है तुम्हारे लिए? ओ माय गॉड, शादी से पहले इतना सब कुछ भेज दिया, शादी होने के बाद क्या करेगा पता नहीं। युंगी कहता है, तियांग वो तुमसे इतना प्यार करता है और तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? तियांग तुम्हें शादी से खुश होना या फिर कोई और बात है? तियांग इससे पहले कुछ और कहते हैं, जनकुक ने तियांग को कॉल किया। तियांग फ़ोन को उठाते हैं और जनकुक कहता है, क्या हुआ तुम इतने शौक क्यों हो गए? मुझे लगा तुम बहुत ही खुश हो जाओगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हो। तियांग कहता है, लेकिन आपको कैसे पता? जनकुक कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ भेजा था, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो तियांग। तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। तियांग कहता है, क्या अब घर के बाहर हो तो अंदर क्यों नहीं आए? जिमिन तियांग से फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं, आप तियांग की सीईओ हो क्या? आप तियांग से शादी करने वाले हो, ठीक है आप बाहर हो तो आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं आपसे मिलने के लिए बाहर आ जाता हूँ। तो फिर जनकुक थोड़ा सा गुस्से से कहता है तियांग को कॉल देने के लिए, तो जिमिन तियांग को फ़ोन दे देते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ? तो जनकुक कहता है, अभी तक तुम बाहर नहीं आए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या तुम अपने सीईओ को बाहर इंतज़ार करवाना चाहते हो तियांग? तियांग जल्दी से बाहर आ जाते हैं। जनकुक कहता है, चलो कार के अंदर आ जाओ। युंगी और जिमिन बाहर से देख रहा था उन दोनों को। युंगी कहता है, तियांग कुछ परेशान लग रहा था जिमिन, मुझे लगता है उसे बात करना चाहिए, वो ये शादी नहीं करना चाहता होगा, कहीं उसके सीईओ ने उसको ब्लैकमेल तो नहीं किया है ना? जिमिन कहता, ओ युंगी तुम कैसी बातें करते हो, इतनी रिच पर्सन उसको क्यों ब्लैकमेल करेगा? तियांग उसको ब्लैकमेल कर रही या नहीं उसके बारे में सोचो, वो उसको ब्लैकमेल क्यों करेगा? तियांग के पास है ही क्या उसको ब्लैकमेल करने के लिए? तुम भी ना कैसे कैसे बातें करते हो, तुम्हारे भाई को इतना अच्छा सा हस्बैंड मिलने वाला है, इतना रिच, मुझे तो सोचकर ही खुशी हो रहे हैं। युंगी कहता है, तुम अगर इतने ही खुशी हो रहे हैं तो तुम जाकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते हो जिमिन? मुझे लगता है तुम्हें पैसे से प्यार है, मुझसे नहीं। तो जिमिन युंगी को हक कर लेता, कहता है, सॉरी मैं तो तियांग के लिए खुश हो रहा था, लेकिन तुमने तो इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। युंगी मेरा वो मतलब नहीं था। युंगी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे तियांग को लेकर टेंशन हो रहा है, मैं अपने भाई को किसी ऐसे इंसान के साथ शादी क्यों करने दूंगा जिसके साथ वो खुश नहीं रह पाएंगे। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, जब वो वापस आएगा उससे बात कर लेंगे, ठीक है तुम गुस्सा मत करो। तो यहाँ पर तियांग जनकुक के साथ वो चले जाते हैं। तियांग जनकुक से कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? जनकुक कहता है, मुझे तुम्हें शॉपिंग मॉल लेकर जाना है, वहाँ पर जाकर कुछ शॉपिंग करने वाले हैं शादी के, ऐसे भी हम सिर्फ कुछ ही दिन बाद शादी करने वाले हैं, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है तियांग। जनकुक तियांग को शॉपिंग मॉल लेकर आते हैं और कहते हैं, तियांग के साइज के जितने भी कपड़े हैं वो सारे कपड़ों को पैक करने के लिए। तो शॉपिंग मॉल के स्टाफ बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग कहते हैं, इतने सारे सूट को लेकर मैं क्या करूँगा? जनकुक कहता है, तुम चुप रहो, मैं तुमसे पूछा है क्या? तो तियांग कुछ नहीं कहता है। इतने सारे शॉपिंग करवाने के बाद तियांग को घर छोड़ देता है। इतने सारे शॉपिंग के साथ तियांग को देखकर जिमिन बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन युंगी की तरफ देखकर वो चुप हो जाता है। युंगी तियांग को हैंड पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है, कहता है, तियांग मुझसे ये कहो क्या तुम इस शादी से खुश हो? तियांग कहता है, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? युंगी कहता है, क्योंकि तुम मुझे खुश नहीं लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है ऐसा जिससे तुम शादी कर रहे हो? क्या हुआ अचानक? इससे पहले तुमने किससे रिलेशनशिप में भी नहीं थे, तो शादी का फैसला कैसे कर लिया हमसे बिना पूछे ही? तियांग कहता है, वो बहुत ही हैंडसम है ना, तो उसने मुझे शादी के लिए पूछा तो मैं मना नहीं कर पाया। युंगी कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो तियांग अपना सर हिलाता है। जिमिन कहता है, मैंने कहा ना तुम ऐसे ही शक कर रहे थे और कुछ नहीं, चलो अब उसको परेशान मत करो। तियांग तुमने बहुत सारी शॉपिंग कर लिया है ना, जाओ जाकर रेस्ट करो, मैं डिनर सर्व करता हूँ, तुम आ जाना खाने के लिए, ठीक है? तियांग अपना सर हिलाकर अपने रूम में चले जाता है। युंगी कहता है, अगर वो खुश है तो वो खुश क्यों नहीं दिख रहा है जिमिन? जिमिन कहता है, मुझे नहीं पता, वो ऐसे ही है, तुम तो जानती हो उसकी फेक्स रिएक्शन से कुछ नहीं पता चलता है। शादी की पूरी तैयारियां हो चुके हैं, आज जनकुक और तियांग की शादी है। शादी हो जाने के बाद जनकुक तियांग को अपने साथ लेकर जा रहा था। तियांग अपनी ह्यूंग को हक करते हुए
वो बहुत ही सैड लग रहा था लेकिन खुश होने की एक्टिंग करते हैं। जिमिन को भी हक करते हैं और यहाँ से जंगकुक के साथ चले जाते हैं। जंगकुक त्यांग को अपने साथ उसको मेंशन लेकर आने के बाद त्यांग को कहता है, त्यांग तुम खुश तो हो ना? त्यांग जंगकुक से इतना ही कहता है, शादी हो गए है, आप पूछकर क्या होगा? जंगकुक त्यांग की तरफ देखते ही रह जाते हैं। त्यांग रूम में जाने के बाद फ्रेश होकर बेड में आ जाते हैं। जंगकुक वो भी जाकर फ्रेश हो जाते हैं और त्यांग के पास आकर बैठ जाता है। त्यांग को देख रहा था। त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो आप? जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर उसको अपने गोद में बैठाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो त्यांग? मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए तुमसे शादी किया था लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? त्यांग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ आप हैंडसम हो लेकिन आप मुझसे एक ही पूछ रहे हो। जंगकुक कहता है, तो तुम खुश क्यों नहीं हो? त्यांग कहता है, आपकी हैंडसमनेस के साथ खुश होने की क्या बात है, मैं समझ भी नहीं पाया। जंगकुक कहता है, अगर मैं हैंडसम हूँ और तुम एक हैंडसम लड़के से शादी किया तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना डैमिट, तो तुम इतना नाखुश क्यों लग रहे हो? जंगकुक कहता है, त्यांग कहता है, वो मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे आपकी हैंडसम और हॉटनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आपसे डर लगता है, मैं आपके साथ पूरी लाइफ कैसे जीऊँगा? जंगकुक त्यांग की फोरहेड पे किस करता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है त्यांग। तुम इतने दिनों से मुझसे डर रहे हो ना, क्योंकि मैं ऐसे ही रहता हूँ, कोई भी मुझसे डरता है, लेकिन अब तो तुम मेरे मेंशन में आ गए हो, मेरे साथ एक ही रूम में रहने वाले हो, तो अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। और मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ मुझे जानने के लिए। त्यांग कहता है, क्या एक हफ्ते में? तो जंगकुक कहता है, तो और टाइम चाहिए क्या? तो ठीक है, और टाइम ले लो, मैंने इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार किया है, तो अगर कुछ और साल इंतज़ार करना पड़ेगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा त्यांग। हाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि तुम मेरे सामने हो और तुमसे दूर रह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा, तुम अब सो सकते हो। त्यांग की फोरहेड पे किस करकर त्यांग को छोड़ देते हैं और वो जाकर हॉल में चले जाते हैं। त्यांग बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्या वो मुझे ऐसे छोड़कर चला गया? और उसने मुझे उसको समझने के लिए टाइम भी दिया, तो वो इतना अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो वो बाहर से जैसे दिखते हैं वो ऐसे नहीं है क्या? त्यांग अब बहुत ही गहरी सोच में थे। तो फिर जंगकुक वो हॉल में जाकर ड्रिंक करने लग गए। त्यांग बहुत देर इंतज़ार करने के बाद वो देखता है कि जंगकुक अंदर नहीं आया, तो त्यांग सो गया। सुबह हो जाने के बाद त्यांग की आँख खोलते हैं। त्यांग को सुबह को उठने की आदत है, वो देखते हैं जंगकुक अभी भी रूम में नहीं है, तो उसको ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। देखते हैं जंगकुक वो सोफे पर बैठकर ड्रिंक करते हुए वहाँ पर ही सो गया था। जंगकुक त्यांग को देखकर कहता है, वो सोफे पर कैसे सो सकते हैं, इतने बड़े सीईओ वो सोफे पर सो रहे हैं, वो भी मेरी वजह से। आखिर वो मुझसे इतना प्यार करता है क्या? कब से? लेकिन मुझे कैसे नहीं पता चला? जंगकुक त्यांग को कहता है, क्योंकि तुम डम्ब हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं, जंगकुक को कैसे सुनाई दिया उसने जो कहा? त्यांग कहता है, क्या आप मन की बातें सुन सकते हो क्या? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी आंखों को और तुम्हारे मन को पढ़ सकता हूँ। तुमने अभी यही सोचा होगा कि आखिर मैंने इस इंसान को इतना डरावना कैसे समझ लिया, है ना? त्यांग कहता है, तो वो ऐसे सोच रहे थे, मैं तो कुछ और ही समझ लिया। तो वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम ब्रेकफास्ट बनाने वाले हो? मेड है, तुम्हें बनने की ज़रूरत नहीं है। त्यांग कहता है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी पसंद आएगा, मैं ट्राई करता हूँ, ओके, आप जाकर फ्रेश होकर आ जाइए। जंगकुक त्यांग को और कुछ नहीं कहता है, वो कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, वरना तुम कहोगे कि मैं तुम पर शक्ति दिखा रहा हूँ। तो त्यांग यहाँ पर जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। अब उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अच्छा सा बॉन्डिंग हो रहा था। त्यांग जंगकुक को समझने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक जैसे बाहर से इतना कठोर दिखता है ना और खरोच दिखता है, वो वैसा नहीं था, वो बहुत ही सॉफ्ट दिल के थे और बहुत ही सॉफ्ट नेचर के थे, एक बच्चे जैसी हरकतें करता है जंगकुक। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं ना, उसको देखकर कोई भी डर जाएगा। टाइम को स्किप करते हुए शादी के एक हफ्ता हो चुके थे। जंगकुक का त्यांग के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक जंगकुक को काम की वजह से विदेश जाना होगा। त्यांग कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर अकेला कैसे रह पाऊँगा? जंगकुक कहता है,
तुम्हें मैं तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा, तुम अपनी ह्यून के साथ रहना जब तक मैं काम खत्म करके वापस नहीं आ जाता हूँ। तियांग कहता है हाँ ठीक है। तो जंगकुक तियांग को उसके मेंशन छोड़ देते हैं। तियांग जंगकुक को जाते हुए देखकर बहुत ही सैड फील कर रहा था। जंगकुक तियांग की कमर में हाथ डालते उसको अपनी ओर खींचकर दिखाता है, कहता है क्या तुम मुझे मिस करने वाले हो। तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक तियांग के फोरहेड पे किस करके कहता है ठीक है मैं तुमसे पोस्ट नहीं करूँगा, तुम यहाँ पर रह सकते हो और जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। ठीक है तियांग कहता है क्या मतलब। जंगकुक कहता है मुझे लगता है मुझे अब तुम्हें और फोर्स नहीं करना चाहिए मेरे से रुकने के लिए, तुम अगर चाहो तो डिवोर्स ले सकते हो। ऐसे भी तुम और मैं साथ में तो रह रहे हैं लेकिन बहुत ही दूर है, हम दोनों का करीब आने के लिए शायद अलग हो जाना ही अच्छा है, इसमें तुम भी खुश रह पाओगे और मैं भी, क्योंकि जब तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता हो तो मुझे कितना बुरा लगता है तुम जानती भी हो तियांग। तियांग कहता है लेकिन। तो जंगकुक उसको बिना कुछ सुने ही और बिना कुछ बोले ही चले जाते हैं। तियांग को बहुत बुरा लगा। जंगकुक जैसे चला गया ना वो जंगकुक को मिस करने लगा। दिन बीतते जा रहा था। जैसे दिन बीतते जा रहे थे तियांग जंगकुक को और भी मिस करने लग गए थे। यहाँ पर जंगकुक तो तियांग को मिस कर ही रहा था लेकिन वो जानबूझकर तियांग से दूर रह रहे थे ताकि तियांग को समझ में आ जाए कि आखिर वो जंगकुक से प्यार करने लगे हैं, वरना तियांग को इस बात का रियलाइजेशन नहीं होगा। तियांग समझ चुके थे कि वो अब जंगकुक के बिना नहीं रह सकते हैं। वो अपनी ह्यूंग को कहता है मैं अपनी मेंशन जाना चाहता हूँ। तो ह्यूंग ही कहता है लेकिन क्यों, जंगकुक तो यहाँ पर नहीं है, वो काम से बाहर गए हुए हैं, जब वो आ जाएगा तुम चले जाना। जिमिन ह्यूंग से कहता है तुम उसको फोर्स क्यों कर रहे हो, वो अगर जाना चाहता है उसको जाने क्यों नहीं दे रहे हो, वो उसका घर है, वो अगर जाना चाहता है तो उसको जाने दो। तियांग तुम जा सकते हो, मैं ह्यूंग को समझा दूंगा। जिमिन ने इतने दिनों से तियांग को फॉलो किया था, उसको समझ में आ गया आखिर क्या चल रहा है। तियांग जिमिन को थैंक्स कहता है। जिमिन कहता है थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी था, वरना तुम कभी समझ नहीं पाते कि तुम जंगकुक को कितना पसंद करने लगे हो। जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है तियांग, मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार। तियांग जिमिन को हक करते हुए बाय कहता है। यहाँ पर जैसे तियांग मेंशन वापस आते हैं वो बहुत ही शौक हो जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक पहले से ही था। जंगकुक को देखकर तियांग कहता है तुम तो अपने काम से विदेश गए हुए थे ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कब वापस आए, मुझसे कहा क्यों नहीं, मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। जंगकुक कहता है तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो तियांग, आखिर तुम मेरे से खुश नहीं थे तो मेरे यहाँ पर आने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पर रहूँ या फिर विदेश रहूँ, इससे क्या आता जाता है। हाँ तियांग जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और उसको कहता है आई रियली मिस यू, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, समझ गए। जंगकुक कहता है क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया तियांग। तियांग कहता है आई रियली लव यू, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे समझ में आ गया है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मुझसे इसलिए दूर थे ना ताकि मुझे समझ में आ जाए, अब मैं समझ चुका हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं जी नहीं पाऊँगा, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे जंगकुक तुम मुझसे कहा क्यों नहीं। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किसकाते हुए कहते हैं बेबी मैं तो तुमसे बहुत दिनों से प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हारे प्यार को समझने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए था तो मैंने तुम्हें टाइम दिया, अब तुम समझ चुके हो तो मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू टू बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। एक किस अब बहुत ही रोमांटिक होते जा रहा था और लॉन्ग भी होते जा रहे थे। सो गाइस इसी के साथ इसका दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा, तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना।